हरे कृष्ण बच्चों। तो आज मैं फिर आपके लिए कक्षा 10वीं का एक्सरसाइज 1.4 का पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यानी 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, राइट। तो मैंने जैसे कि पहले वीडियो में भी आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आप, मैंने इस एक्सरसाइज के लिए एक बेसिक फंडामेंटल का वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो से आपको शांत और अशांत के बारे में, जो इस क्वेश्चन पूछा, शांत और अशांत के बारे में बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन और थ्योरम के बारे में समझाया है, उस थ्योरम को समझते ही आपके सवाल और भी क्लियर हो जाएगा, राइट। फिर मैं अब देर ना करते हुए आपका यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करता हूँ, राइट। सॉल्यूशन नंबर यानी छठे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, देखो सर, छठा क्वेश्चन क्या है, 2 23/2 3/5/2 है, राइट। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपका उसके टुकड़े करने की आवश्यकता है नहीं, आपका भाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं, पहले से क्या हुआ है। यहाँ पे देखो जो हर है वो 2^2 n^5 m के रूप में है, या तो हम यहाँ लिख देंगे यहाँ हर 2 n^5 m के रूप में है, अतः यह परिमेय संख्या शांत है, राइट। इसका दूसरा क्वेश्चन आपके पास 129/ यानी 6/7 क्वेश्चन आपके पास, 129/2 7 5/7 और 7/5। देखो ये 2^5 ठीक है, 5/7 ठीक है, 2 n^5 m के रूप में, लेकिन ये जो आ गया 7/5, इसने गड़बड़ कर दिया। अगर ये यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ हर 2 n^5 m के रूप में नहीं है, क्योंकि ये 2 n^5, अगर ये सिर्फ 2^7 5/7 होता तब तो बिल्कुल परफेक्ट था, तब तो हम कहते थे शांत है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा आ गया, 7 आ गया साथ में, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये 2 n^5 m के रूप का नहीं रहेगा, 2 n^5 m के रूप में नहीं है। और अगर ये रूप में नहीं होगा तो हमें क्या कहना पड़ेगा, अतः यह परिमेय संख्या क्या है, अशांत है। और इस क्वेश्चन में क्या बताना है, शांत और अशांत ही तो बताना है, राइट। हम बात करते क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 आपके 6/15। तो देखो अगर ये 6/15 है तो अगर ये छोटा हो सकता तो छोटा कर लेना आपको, देखो 3 से काटते 3 3 5 15, राइट। तो 2/ क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो हर है उसको अलग से टुकड़े करने की जरूरत है, 5/1 एक ही है यहाँ पे, अतः यहाँ हर 2 n^5 m के रूप में है, यहाँ बच्चा कह सकता है भाई कि 2 n तो है नहीं, तो मैंने आपको वही बताया ना कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो 5/1 है। देखो यहाँ पे जो 5 है ना, यहाँ पे हर क्या है, 5 है, तो 2 n^2 0 5/1 हो जाएगा, तो 2^0 का मतलब 1 और 5/1 का मतलब वापस 5, तो वापस क्या जाएगा, हर आ जाएगा। तो इस बात को आपको समझना है, राइट। ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो बिल्कुल हर बात आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 35/ क्या हो गया, 50 हो गया। तो आप इसे और छोटा कर सकते हैं, 5 से 35, 5 से कम 5, 7/10 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे अगर आप इसे टुकड़े कर सकते तो आपको अभाज्य गुणनखंड अपनाना है, 2 × 5 = 10। तो यहाँ पे 10 क्या हो गया, 2 × 5 के रूप में आ गया। तो यहाँ लिखोगे यहाँ हर 2^1 और 5 × 5/1, यानी इसका मतलब क्या होगा, 2 n^5 m, पावर कुछ भी हो, n के रूप में, m के रूप में है ना, 2 n^5 m के रूप में है। अगर रूप में होगा तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, अतः यह परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही, शांत है। आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हो। और हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास 77/ क्या है, 210 है। तो 7 × 7 7 × 7 से छोटा कर सकते हैं, और 7 × 21 यानी क्या आ गया, 11/30। अतः आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 30 का टुकड़े करेंगे, यहाँ पे आ गया 15, और यहाँ पे आ गया 5 से करेंगे तो 5 × 15, तो यानी यहाँ पे आ गया 30 आपके पास किस रूप में आ गया, 2 × 5 × 3। तो देखो 2 और 5 तो सही है, लेकिन जो 3 आ गया इसकी वजह से ये जो हर है 2 n^5 m के रूप का नहीं होगा, क्योंकि हमें हर में क्या चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए और 5 चाहिए। अतः यहाँ हर 2 n^5 m के रूप का नहीं है। अगर नहीं होगा तो आपको पता है बिल्कुल आप सही सोच रहे हो,
यहां पे अगर 2 एंड 5 एम का रूप बनी होगा तो यह परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। यह परिमेय संख्या अशांत है, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको आपको यह पहला क्वेश्चन यानी पहले क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना ना भूलें, राइट। थैंक यू।